वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो हेलो, माय नेम इज कल्याणी। टुडे वीडियो इज गोइंग टू बी मिंत्रा टॉप्स एंड ड्रेस हॉल। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो, क्योंकि आई हैव लेट बेबी टीज जो कि बहुत अफोर्डेबल एंड समर सीजन के लिए ना बहुत बेस्ट है। सो यस, तो सबसे पहले हम लोग ट्यूब टॉप से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि सबसे पहले यही निकल गया। एंड आई थिंक कि ना इस मुझे ना काफी पसंद आ रहा है ट्यूब टॉप। जब से मैं गोवा गई हूँ उसके बाद से मुझे और भी बहुत ज्यादा पसंद आने लग गया है ट्यूब टॉप्स, क्योंकि मेरे पास ऐसा है भी नहीं। आई हैव ओनली कैजुअल काइंड ऑफ टॉप्स, नॉट एनी फैंसी टाइप टॉप। और ये वाला जो मुझे ना ट्राई भी करना था, सो दिस इज काइंड ऑफ डेनिम कॉर्सेट और ये है ट्यूब में। सो कपड़ा इसका पूरा डेनिम, वो जो कॉर्डरी वाला मटेरियल नहीं होता, कॉर्डरी डेनिम जिसको बोलते हैं, होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। सो ये रहा वो, और इस फ्रॉम द ब्रांड सेसोफेरास। आई गॉट दिस इन साइज मीडियम, बट मुझे इसमें लार्ज साइज लेना चाहिए था क्योंकि ये स्ट्रेचेबल नहीं है, तो मुझे ऐसे जनरली मीडियम साइज फिट आ जाता है टॉप में, बट इसमें नहीं आया। आई हैव टू गो फॉर लार्ज साइज। तो बहुत ही प्यारा सुंदर, ऑल्सो पीछे में से चेन डिटेलिंग है तो पहनने में तो ईजी होता है, और ऊपर मैंने हुक भी दिया हुआ है तो आप इजिली पहले ऊपर भी हुक कर सकते हो, फिर चेन जिप अप कर सकते हो, अकेले भी कर सकते हो, नहीं तो किसी का हेल्प लेना पड़ता है इसे लगाने में। सो यस, दैट्स इट, दैट्स द मटेरियल, और बहुत ही प्यारा है। दिस इज सम काइंड ऑफ इंस्पो दैट आई रियली लाइक, जिस वजह से मैंने ये ट्यूब टॉप मुझे पसंद आने लग गए हैं। सो यस, फर्स्ट वन इज दिस। मैंने बस दो ही ट्यूब टॉप लिया हुआ है, सो मैं ट्यूब टॉप पहले दिखा देती हूँ। सो दिस इज द अनदर ट्यूब टॉप, हियर इज द पिक्चर, यू कैन सी। सो ये ऐसा आया है, आई गॉट दिस इन साइज लार्ज, मैंने लार्ज मंगाया था, बट पता नहीं क्यों मुझे एक्स्ट्रा लार्ज रिसीव हुआ है, एंड इसमें एक भी टैग भी नहीं दिया हुआ है, तो आई होप कि ये रिटर्न हो जाए। और दिस इज वेरी स्ट्रेची, सो इसमें ना लार्ज साइज परफेक्टली फिट आ जाता है। ये भी आ गया है, बट जो लार्ज साइज रहता ना थोड़ा अच्छे से फिट करता बॉडी पे, सो वेरी वेरी स्ट्रेची इज यू कैन सी। और यहाँ पे चेन दिया हुआ है, अगेन I don't like the golden detailing of chain, I don't know why. So यहाँ पे अगर silver रहता तो मुझे और ज़्यादा पसंद आता। And इस side दोनों side दिया हुआ है chain, तो आप अपने according उसको बंद करके भी style कर सकते हो, खोल करके भी style कर सकते हो। So very pretty and बहुत ही, आप इसको dress up कर सकते हो, dress down कर सकते हो, दोनों ही कर सकते हो। So totally love this. And the brand is I think Disrupt. Made for troublemakers. Okay, the brand is Disrupts, and yeah, that's the next top. I hope you can see it in better way, and the material is like this. Yes, that's it. Next item that I got is all baby tees. सब baby tees मैंने लिया है, और मुझे baby tees बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि you know कि वो dress up भी लगते हैं और थोड़ा casual भी होता है, तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है. So this is द नेक्स्ट बेबी टीज। अगर आप मेरा मिंत्रा वाला वीडियो देख रहे हो ना, तो उसमें मैंने बहुत सारा ही बेबी टीज दिखाया है। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे और भी मैं बहुत सारे ऐसे दिखाती रहती हूँ, रील्स वीडियो बनाती रहती हूँ, कि वहाँ पे ना मतलब रील्स बहुत जल्दी बन जाता है, तो वहाँ पे मैं ऐसे तुरंत ही डाल देती हूँ। सो दिस इज द नेक्स्ट टी शर्ट, काफी अच्छा लगा इसका डिटेलिंग, 200 एंड 250 के अंदर का ही है ये भी, और द ब्रांड इज रोस्टर। रोस्टर पे काफी प्यारे प्यारे बेबी टीज आपको मिल जाएंगे। एंड आई गॉट दिस इन साइज मीडियम, तो फिट वगैरह सही आया है, पीछे पूरा प्लेन है, एंड आई लव ऑल दिस डिटेलिंग। सो थम्स अप। कपड़ा भी बहुत अच्छा है, ब्रीदेबल है। सो रोस्टर के सारे कपड़े का जो लाइक सारा जो टी शर्ट का मटेरियल है वो कॉटन है, और बहुत अच्छे से फिट आ जाता है। सो नेक्स्ट इज दिस गॉट। नेक्स्ट में बहुत सारा टी शर्ट ही है मेरे पास, ब्लू, बहुत ही कलर मेरे को उसका काफी प्यारा लगा। सो दिस इज द ब्लू एंड ब्लैक टी शर्ट, एंड दिस इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड द रोडस्टर। काफी अच्छा सबल सा कलर लगा इसका, लाइक नॉट टू ब्राइट, एंड इसमें लिखा हुआ है सिल्वर लिनेज, लिनेज पता नहीं क्या बोल क्या होता है ये। सो थोड़ा स्पोर्टी काइंड ऑफ भी है ऐसे लग रहा है, यस। एंड इसका जो है ना ये मुझे आया थोड़ा लूज उससे, लाइक इससे पहले जो मैंने दिखाया है ये भी मीडियम साइज में, बट वो ब्लैक वाला हल्का सा थोड़ा टाइट आ रहा था, बट ये वाला थोड़ा लूज आया है, डोंट नो व्हाई, दोनों एक ही ब्रांड का है। एंड मटेरियल मुझे दोनों का सेम ही फीलिंग आ रहा है, बट ये ना मतलब थोड़ा कम स्ट्रेची लगा, और ये थोड़ा सा खुला खुला लाइक लूज लूज टाइप से लगा इसका फिटिंग। सो आई डोंट नो व्हाट्स द की फील, तो मुझे सेम ही आ रहा है दोनों मटेरियल का। या
ये वाला जो है ना टी शर्ट वो थोड़ा अलग सा है, लाइक इसका मटेरियल पूरा डिफरेंट है एंड ये थोड़ा सा ज्यादा इसका प्रिंट मुझे अच्छा लग रहा था। सो दिस इज द नेक्स्ट टी शर्ट। दिस टी शर्ट इज स्पेशली कोलेबोरेशन बिटवीन स्टाइल कास्ट एंड एक्स स्लाई सी के, आई डोंट नो इफ दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि मैं ये वाले ब्रांड का नाम पहली बार ही सुन रही हूँ। स्टाइल कास्ट से तो मैंने बहुत कुछ लिया हुआ है। सो द मटेरियल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दीज टू, इसीलिए इसका प्राइस थोड़ा हाई है। काफी स्ट्रेची है, काफी सॉफ्ट, काफी प्रीमियम मटेरियल वाला जो होता है ना वैसा ही फील है इसका, स्ट्रेची टाइप का। काफी सही है इसका मतलब मटेरियल। एंड इसको भी मैंने मीडियम साइज में लिया है, इसका भी फिटिंग मुझे सही है। आई लव द ग्रीन पार्ट, इसमें आई थिंक एक और कलर था ब्लैक। सो यस, लव एवरीथिंग अबाउट दिस, दिस इज सो कम्फी एंड स्टाइलिश, बट थोड़ा कूल वाइब दे रहा है इस टी शर्ट से। सो यस, के बाद लेट्स मूव ऑन टू द ड्रेस आइटम। सो ड्रेस में ना मैंने बहुत ऐसे समरी वाइब लिया था, क्योंकि मैं गोवा जा रही थी ना तो मैंने बहुत सारे ड्रेस मंगवाया था। तो सबसे पहले दिस ब्लू, लाइक पाउडर ब्लू काइंड ऑफ ड्रेस, एंड ये बहुत ज्यादा प्यारा लगता है पहनने पे। जो देखने पे उतना ऐसा खास नहीं लगता, बट जब आप पहनोगे तो बहुत प्यारा लगता है। सो मैंने ना लार्ज साइज में ले लिया है, और मुझे लगा कि बस्ट एरिया पे पता नहीं आए ना आए, तो मैंने लार्ज साइज में ले लिया। बस्ट एरिया पे तो आ गया, बट ये जो वेस्ट के पास ना मुझे बहुत लूज आया था, तो इसमें मुझे मीडियम साइज लेना चाहिए था। बट स्टिल मुझे बहुत ऐसे लेट हो गया था लाइक ट्रिप पे जाने पे, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो मैंने यही थोड़ा से थोड़ा हैक वो रबर लगा करके मैंने थोड़ा पहना था। बट स्टिल वेरी कम्फी, बहुत ही अच्छे से आप मतलब पे झिझक ले सकते हो, आप वेकेशन पे पहन सकते हो, नहीं तो आप ऐसे कैजुअल भी पहन सकते हो इस ड्रेस को। बहुत 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 प्यारा, हाईली 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 रिकमेंडिंग दिस ड्रेस। एंड इसके बाद एक और ड्रेस जो मैंने लिया है वो है लाइक द ब्रांड इज अथीना, और ये ना एक्चुअली मैं थोड़ा सा ऐसे वो थी कि मैं इस मतलब ये उतना अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बट पहनने पे टू बी ऑनेस्ट मुझे अच्छा लगा। लाइक इस टाइप का ड्रेस ऐसे मुझे थोड़ा फ्रॉक वाला वाइब दे रहा था जो बचपन में नहीं पहनते, बट पहनने पे अच्छा लगा। और द मटेरियल इज ऑल्सो नाइस, यू कैन सी यहाँ पे थोड़ा ट्यूब टॉप वाला थोड़ा वाइब देता है, यहाँ पे ऊपर में थोड़ा ट्रांसपेरेंट है और अंदर में से कपड़ा दिया हुआ है। सो लव, पता नहीं ये कौन सा एस्थेटिक है बट अच्छा लग रहा है, समरी वाइब दे रहा है काफी। सो अंदर में पूरा स्तर है एंड दिस इज द ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मुझे ऐसा वो मिरर में दिख रहा है, सिंस मैं बैक कैमरा से बनाती हूँ तो मुझे पता नहीं कि दिख रहा है कि नहीं। सो ये रहा ड्रेस, और पीछे में कुछ इस टाइप से लगाने के लिए। सो ये भी काफी प्यारा है, पहनने पे सुंदर लगता है। द प्राइस इज आई थिंक 600-700, काफी अफोर्डेबल में आया ये, और द मटेरियल इज ऑल्सो नाइस। मैंने मीशो वाला भी जो डाला था उसमें बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ए लाइन ड्रेस दिखाओ, सो या यू कैन गो फॉर दिस। इसमें कुछ भी ऐसे स्किन सोइंग नहीं है और बहुत कंफर्टेबल है, आपको अंदर में सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको कौन सा लाइक अंडरवेयर पहनना है, बेझिझक यू कैन वेयर दिस, लाइक बी कंफर्टेबल एंड यू कैन यू विल लुक क्यूट इन दिस ड्रेस फॉर श्योर। इसके बाद एक और ड्रेस है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम ब्रांड विच इज अथीना, एंड अथीना से बहुत अच्छे अच्छे आपको ड्रेस के कलेक्शन मिल जाएंगे। सो दिस इज इन पिंक कलर, और ये काफी ऐसे क्यूट सा ही वाइब दिया था लाइक पिंटरेस्टी काइंड ऑफ। ये वाला जो स्लीव वगैरह ना मैंने न्यूमी पे आजकल देखा हुआ है काफी, मैंने एक ड्रेस भी दिखाया था न्यूमी पे ये वाला, सो काफी इससे सिमिलर लगा मुझे। और द मटेरियल इज कॉटन, काफी अच्छा मटेरियल है, बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा बॉडी पे, एंड या दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, आई होप यू कैन सी। और पूरा सा फ्लावर बना हुआ है यार, बहुत क्यूट लगता है ये। एंड ये भी मैंने ऐसे वो गोवा जाने के लिए लिया था, बट मैं इसको लेके जा नहीं पाई, मतलब मैं भूल गई थी इसके बारे में। सो ऑलरेडी मेरे पास ऐसे बहुत सारा ड्रेस हो गया था जो कि मैं पहन भी नहीं पाई, क्योंकि हम लोग ऐसे उतना कपड़ा पहनने का लाइक चेंज करने का मन नहीं किया, चार ही दिन था और मैंने बहुत सारे 20 कपड़े ले लिए थे चार दिन के लिए। सो या कोई बात नहीं, नहीं ले गई इसको मैं तो, बट ये बहुत क्यूट है। सो ये भी ए लाइन ड्रेस है और फुल स्लीव है, थोड़ा पफ स्लीव, यहाँ पे ऐसे पफ स्लीव बोलते हैं ना इसको, तो ऐसा है और यहाँ पे इलास्टिक है, तो ये भी काफी प्यारा ड्रेस है। अंडर 600-700 होगा ये भी। सो यस, टोटली यू कैन गो फॉर इट। इसका लेंथ भी ऐसे नी से हल्का ऊपर आता है तो देखने में काफी प्यारा लगता है, सो यस वेरी क्यूट। ऑल्सो द साइज आई गॉट इज मीडियम इन दिस, सो मीडियम बहुत अच्छे से फिट आ गया है मुझे एंड आई एम ग्लैड मैंने मीडियम साइज लिया है। इसके बाद एक और जो मैंने लिया है ना ड्रेस वो है टोक्यो टॉकीज़, लाइक मैक्सी काइंड ऑफ ड्रेस,
बहुत ही प्यारा लग रहा था यार पहनने पे। लाइक पहले जब मैं पहन रही थी ना, मैंने अगेन इसको लार्ज साइज में ले लिया और लार्ज साइज में तो बहुत लूज आया, बट पीछे थोड़ा सा मैंने रबड़ लगाया एंड देन फिर वो जो फिट आया ना तो बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने वीडियो में भी ऐसा दिखाया हुआ है, यू कैन सी। सो या आई हैव ओनली ऑप्शन कि मैं उसको अल्टर करवाऊँ वेस्ट के पास। सो ये काफ़ी प्यारा ड्रेस है पिंक कलर का एंड यू विल टोटली लव इट। मटेरियल भी बहुत सही है, अंदर में इसका स्तर भी दिया हुआ है, लाइक हाफ ही स्तर दिया हुआ है, बट या दिस इज सो सो गुड, लाइक टू गुड, आप टोटली ले सकते हो उसको। ओके नेक्स्ट ड्रेस एक और जो है वो मैंने गोवा में पहना था, सो अभी तक पैक है क्योंकि मैं ये वाले पैकेज में लेके गई थी, थोड़ा अच्छा रहता पैकिंग करने में। सो दिस इज द नेक्स्ट ड्रेस फ्रॉम मिंत्रा एंड द ब्रांड इज बेला वाइन। द ब्रांड इज बेला वाइन। सो दिस इज वन शोल्डर ड्रेस एंड इसको मैंने डिनर में पहना था, काफी अच्छे से फिट आ गया था और वेस्ट के पास भी बहुत अच्छे से फिट आ गया था। जनरली मैं इस टाइप के ड्रेस नहीं पहनती हूँ, लाइक फ्लोरल, बट स्टिल मैंने सोचा कि चलो ऐसे वेकेशन पे थोड़ा अच्छा लगेगा फ्लोरल एंड समरी काइंड ऑफ ड्रेस, तो मैंने ऐसे डिनर में पहना था। इसको काफी कंफर्टेबल था और बस मैंने ना ऐसे जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप इस टाइप के ड्रेस के अंदर में क्या पहनते हो, तो मैंने बस अपना एक साइड का स्ट्रैप निकाल दिया था ब्रा का, बाकी बहुत ही अच्छे से फिट आ गया क्योंकि ना ये पूरा होल्ड करके रखता है, लाइक इट्स नॉट लूज, तो मेरे बॉडी पर से पूरा होल्ड करके रखा हुआ था तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया ऐसे। एंड साइड में है चेन दिया हुआ ताकि आप इसको ईजिली पहन सको और द क्वालिटी इज रियली नाइस, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट अबाउट दिस ड्रेस। एंड द मटेरियल इज आई थिंक लाइक ये जॉर्जेट का मटेरियल है, इस टाइप का मटेरियल मुझे सही लगता है, मैं पहन पाती हूँ ऐसे गर्मियों के सीजन में भी अच्छे से। तो दिस इज फुल और नीचे में से थोड़ा पैटर्न है फुल का, यू कैन सी। कुछ ड्रेस ऐसा होता है ना जो कि ऐसे मतलब देखने पे उतना सुंदर नहीं लगता बट पहनने पे ज्यादा अच्छा लगता है, और बहुत सारा ऐसा भी होता है कि देखने पे अच्छा लगता है बट पहनने पे अच्छा नहीं आता। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिटिंग, सो फिटिंग बहुत सही आया है और बनावटी भी इसका जो होता है ना सारा कुछ सही है, लाइक स्टिचिंग वगैरह, अंदर बिस्तर भी है दिया हुआ। साइज आई गॉट इस ड्रेस में वो है मीडियम, तो या काफी प्यारा है एंड लव दिस, so pretty this dress. Yes, that's it for this haul video and I hope आपको अच्छा लगा होगा and मिलते हैं हम लोग next video में and आप suggestion भी दे सकते हो comment section में आपको कौन सा video चाहिए। मैं हमेशा से मतलब point करके रखती हूँ but थोड़ा थोड़ा late भी हो जाता है क्योंकि you know कि delivery periods and फिर बहुत सारे ऐसे और भी कुछ बीच बीच में आ जाता है, बट या मैं हमेशा बनाती जरूर हूँ, तो आप जरूर से जरूर देखना मेरे चैनल को, भूल मत जाना। सो यार दैट्स इट, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।